Assalamu Alaikum, students, welcome to your biology class. I am your biology teacher, Mrs. Saida Bano. Today we are going to start chapter 21, which is cell cycle. The topics of today's lecture are first of all introduction of cell cycle, then definition of cell cycle, phases of cell cycle, interface, steps of interface. कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड द लेंथ ऑफ फेजिज ऑफ सेल साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेल साइकिल सेल वाट इज सेल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गनिज्म कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है सेल से बनी हुई है यूनि सेल में तो पूरी बॉडी ही सिंगल सेल से बनी होती है बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गनिज्म बॉडी इज कम्पोज ऑफ मैनी सेल्स अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था सेल थ्योरी में सेल इज़ द सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो अब सेल किस तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज़ होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच इज कॉल्ड माइटोसिस तो डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल इज दैट सेल साइकिल इज सीरीज़ ऑफ़ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन सेल एंड कॉज इट टू डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल्स कि अब जितने भी सेल की लाइफ में इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो ग्रो करता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के तो इसको हम सेल साइकिल कहेंगे या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन सेल विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए फॉलोड बाय सेल डिवीजन के वो वाला चेंजेस का सीक्वेंस जिसमें सेल जो है सबसे पहले ग्रो करता है उसके बाद उसमें डी एन ए की रेप्लीकेशन होती है और फिर सेल डिवाइड हो नेक्स्ट टू डॉटर सेल्स बना देता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं ये डायग्राम है सेल साइकिल की सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड अदर इज़ द माइटोटिक फेज व्हाट इज इंटरफेस द पीरियड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंजक्टिव डिवीज इज कॉल्ड इंटरफेज कि सेल के दो कंजक्टिव डिवीज़ के दरम्यान में जितना लाइफ स्पैन है सेल का उसको हम कहते हैं इंटरफेस यानी सेल डिवाइड हुआ उससे टू डॉटर सेल्स बने वो पेरेंट सेल से हाफ साइज़ के सेल थे उसके बाद क्या होगा सेल्स का उन सेल्स का साइज़ इंक्रीज होगा वो ग्रो grow होंगे ग्रोथ के बाद उसके अंदर जो डीएनए था वो भी डुप्लीकेट होगा फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम का नंबर जितना है डॉटर सेल्स में भी उतने ही उसने पास करने हैं तो पहले क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा हर क्रोमोसोम जो है अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा राइट लाइक ह्यूमन बींग्स वी हैव फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स एंड ट्वेंटी थ्री पेयर्स तो अब क्या होगा कि इंटरफेस में ये जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के या फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाएंगे या सिस्टर क्रोमट्रीज बनाएंगे और इसको हम क्या कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए उसके बाद सेल जो है वो दोबारा से अपने आप को रेडी करेगा नेक्स्ट डिवीजन के लिए जिसको कि okay, माइटोसिस कहते हैं तो इंटरफेज में फर्स्ट फेज ऑफ इज़ द इंटरफेज एंड नेक्स्ट इज़ माइटोसिस इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच एन्श्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल क्या माइटोसिस का प्रोसेस क्या है कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में लेकिन जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हैं यानी माइटोसिस इंश्योर करती है कि जितने क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट सेल में है जितना जीन जितने जीन्स या जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में है, उतना ही डॉटर सेल्स में हो और वो दोनों डॉटर सेल जो हैं आइडेंटिकल हों पेरेंट सेल के सो द इंटरफेस एंड माइटोसिस दीज आर द टू मेन स्टेप्स ऑफ सेल साइकिल नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ इंटरफेस इंटरफेस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट phases or steps first is the g1 phase which is the period of extensive metabolic activity and following steps takes place in the g1 phase first is the cell grows in size के जिस वक्त cell बनता है parent cell से daughter cell में तो उसका size half होता है parent cell के तो सबसे पहले क्या होगा cell अपना size increase करेगा वो grow करेगा और फिर उसके साथ क्या होगा स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथिसाइज्ड अब ये एंजाइम्स कौन से वाले स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए एन एंड फॉर द सेल ग्रोथ एंड थर्ड इज़ द डीएनए एन बेस्ड यूनिट्स आर सिंथिसाइज फॉर डीएनए एन एर रेप्लीकेशन क्या इसमें जी वन फेज जो है enzymes उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आती है एज फेज उसमें क्या होता है कि डी रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम्स अपना नंबर जो है वो डबल करते हैं हर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है जिसको के सिस्टर क्रोमोट कहते हैं क्रोमोसोम का तो एस फेज से पहले वाली जो जी फेज़ है इसमें क्या होगा सेल का साइज़ इंक्रीज होगा स्पेसिफिक एंजाइम्स जो के नेक्स्ट स्टेप्स में या नेक्स्ट फेजिज में चाहिए होंगे वो सिंथिसाइज़ किए जाएंगे और जी वन फेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी जिसमें डीएनए जो है उसने अपने आप को डबल करना है तो उसके डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए एंजाइम्स चाहिए डीएनए एन सब यूनिट्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जो बेस बेसिस हैं वो और फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड है फिर पेंटोस शुगर है जो कि न्यूक्लियोटाइड में आती है वो सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी की जाती हैं समटाइम्स पोस्ट माइटोटिक सेल एग्जिट्स फ्रॉम द सेल साइकिल एंड डज नॉट डिवाइड एनी मोर फॉर डेज वीक्स मंथ्स एंड इन सम केसेस फॉर लाइफ टाइम एंड दिस इज़ कॉल्ड जी ज़ीरो फेज कि जितने भी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होते रहते बल्कि क्या होता है कि कुछ सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होते बल्कि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं उनमें डिफ्रेंसी होती है और वो सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं होते जब जब ज़रूरत पड़ती है लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तो उस वक्त वो डिवाइड होते हैं यानी कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होते रहते और वो एक फ़ेज़ में चले जाते हैं जिसको जी नॉट फेज या जी ज़ीरो फ़ेज़ कहते हैं अब जी नॉट फेज में क्या होगा के माइटो पोस्ट माइटोटिक सेल मीन्स के माइटोसिस के बाद जो सेल है वो ग्रो करेगा अपना साइज इंक्रीज़ करेगा उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी डिफ्रेंशिएट होगा वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा और फर्दर डिवाइड नहीं होगा उस वक्त तक के जब बॉडी को नीड नहीं है तो इस फेज़ को जी नॉट फेज कहते हैं लेकिन कुछ सेल जो हैं जैसे कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो वो कंटीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं जाइगोड से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें क्या होगा कंटिन्यूस डिवीजन होगी एक माइटोसिस के बाद फौरन ही सेल इंटरफेज में जाएगा इंटरफेज की सारी स्टेप्स कंप्लीट करेगा और फिर दोबारा से माइटोसिस होगी और इस तरह से सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा या फिर यूनि ऑर्गेनिज्म जो है या बैक्टीरिया वगैरह हैं तो ट्वेंटी मिनट्स में उनका लाइफ स्पैन ही ट्वेंटी मिनट्स का है ट्वेंटी मिनट्स के बाद अगर कंडीशन फेवरेबल हैं तो उन्होंने डिवाइड होना होता है तो उनमें तो कंटिन्यूसली सेल साइकिल चलता रहता है लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गनिज़म की बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं बाकी सेल्स जो हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ जो हैं थ्रू आउट लाइफ वो डिवाइड होते ही नहीं डिफ्रेंशिएट होकर फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोन्स जो हैं हमारे नर्व सेल्स वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ब्रेन में या नर्वस में और फिर वो थ्रू आउट लाइफ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होते लेकिन जैसे हमारी स्किन के सेल्स हैं या अपीथीलियल सेल्स हैं या हमारे डाइजेस्टिव लाइनिंग के सेल्स हैं तो वो कंटीन्यूसली डेड होते रहते हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनते रहते हैं तो वहाँ पे कंटीन्यूसली सेल साइकिल का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करता है ये डायग्राम है सेल साइकिल की इसमें देखें सबसे पहले माइटोसिस के बाद जो है वो जी वन फेज है अब जी फेज जो है ये इंटरफेज की थ्री फेजेस हैं जो ग्रीन कलर दिखाया हुआ है ये क्या है इंटरफेज़ है इंटरफेज़ को फर्दर थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया फर्स्ट वन इज़ द जी वन फेज सेकेंड इज़ द एस फेज एंड थर्ड इज़ द जी टू फेज एंड नेक्स्ट इज़ माइटोसिस माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रो फेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीग्रोफेज After these phases, cytokinesis takes place. Cytokinesis means division of the cytoplasm. Next is G1 phase. G1 phase is the growth phase of the cell, and this is also called GAP1 phase. So, in this phase, cell grows. and it performs its functions normally, increased protein synthesis, new cell organelles are formed, cytoplasm volume increases. ke ab isme kya hoga cell jo hai highly active होगा metabolically और इसमें protein synthesis होगी जाहिर सा cell ने size increase करना है तो इसमें नये proteins नये enzymes बनेंगे, नये cell organelles बनेंगे फिर cytoplasm का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा कि सेल ने साइज़ में इंक्रीज होना है नेक्स्ट फेज जी नॉट फेज मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि माइटोसिस के बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होते बल्कि क्या होता है वो अपना साइज इंक्रीज़ करते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं अगर किसी वक्त उनमें कोई डैमेज होता है तो फिर वो डिवाइड होते हैं या बॉडी को नीड्स होती हैं किसी ऑर्गन के अंदर नए सेल्स की तो फिर वो डिवाइड होते हैं अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होते और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ भी डिवाइड नहीं होते तो वो थ्रू आउट लाइफ जो है जी नॉट फेज में रहते हैं जैसे कि नर्व सेल्स हैं या हमारी आई के रेटिना के सेल्स हैं तो जी नॉट फेज जो है ये माइटोसिस के बाद जी वन फेज से पहले आती है और इसके बाद सेल फर्दर डिवाइड नहीं होता कुछ से बाद या थ्रूआउट लाइफ डिवाइड नहीं होता अब नेक्स्ट फेज़ जो जी वन फेज है वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए नेक्स्ट फेज इज़ एस फेज एस जो है वो सेंसिस के लिए स्टैंड करता है और किस चीज़ की सेंसिस है डी एन ए की सेंसिस है तो एस फेज सेंसिस फेज डी एन एंड क्रोमोसोम नंबर इज़ डबल्ड के अब इस फेज़ में क्या होगा नया डीएनए बनेगा नया क्रोमोसोम्स बनेंगे और जितने डॉटर सेल जो बना था माइटोसिस के बाद उसमें जितना क्रोमोसोम का नंबर था उससे वो डबल हो जाएगा नंबर नेक्स्ट इज़ द जी टू फेज़ और प्री माइटोटिक फेज़ के जब क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा डीएनए की सेंसिस हो जाएगी तो फिर सेल जो है वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करेगा और वो किस फेज़ में प्रिपेयर करेगा जी टू फेज़ में और इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं कि माइटोसिस से पहले वाली फेज अब इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं सेल में एनर्जी स्टोर्ड फॉर क्रोमोसोम क्रोमोसोमल मूवमेंट के माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम जो हैं वो मूव करके अपोजिट पोल्स पर जाएंगे तो उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्टिया से तो माइटोकॉन्टिया का नंबर इंक्रीज होगा और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए माइटोकटिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस करेंगे नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइटोसिस क्या माइटोसिस के प्रोसेस में जो प्रोटीन्स चाहिए उनकी सिंथेसिस होगी अब प्रोटीन्स कौन कौन से चाहिए माइटोसिस के प्रोसेस में एक तो एंजाइम्स चाहिए विच कंट्रोल और रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेकेंड जो है माइटोटिक अपरेटर्स के लिए यानी जो स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं उसके लिए उन स्पिंडल फ़ाइबर्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वो भी यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे फिर इसके अलावा जिस वक्त साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो जो डॉटर टू डॉटर सेल्स बनेंगे उनको बनाने के लिए सेल्स की सेंटर में पिंचिंग होगी और एक कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनेगी तो उस कंस्ट्रिक्टिंग रिंग को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए एक्टिन और मायोसिन वो भी सिंथेसाइज होंगे किस फेज़ में जी टू फेज में एंड ऑल्सो द आर एन एंड माइटोकॉन्ड्रियल सब यूनिट्स फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन आर सिंथिसाइज ठीक है कि आर एन ए और माइटोकॉन्ड्रियल सब यूनिट्स जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बताया है कि स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उस के सब यूनिट्स भी यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे माइटोकॉन्ड्रियल सब यूनिट्स किस चीज़ के लिए चाहिए कि माइटोसिस के प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू सिंथेसाइज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैप साइकिल के थ्रू और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होगी और आरएनए जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जब बनती हैं तो उसमें आरएनए और प्रोटीन्स मिल के स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी टू फेज जो कि प्री माइटोटिक फेज़ है माइटोसिस से पहले की फेज़ है उसमें ये सारे प्रोसेसेस होते हैं ये एस फेज़ का बताया हुआ है कि सिंसिस फेज है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए जो है जो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है उसकी रेप्लीकेशन होती है और एक क्रोमोसोम से एक और क्रोमोसोम उसका जो आइडेंटिकल कॉपी होती है जिसको सिस्टर क्रोमटीट कहते हैं वो बनता है और जी टू फेज जो है सेल कॉन्स्टिट्यूट इस ग्रोथ एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल्स ठीक है और इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी डबल हो जाएगा यानी इसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है माइटोसिस के लिए जितनी ए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है माइटोसिस के लिए जितना सेल ने मैक्सिमम साइज अटेन करना है वो भी अटेन कर लेता है ज अपने डीएनए को भी रेप्लिकेट कर लेता है और नेक्स्ट स्टेप के लिए जो जो चीज़ें चाहिए एंजाइम्स चाहिए प्रोटीन सब चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सेल ऑर्गनैलिस जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं नेक्स्ट डॉटर सेल्स में वो सारे के सारे इस स्टेप तक सिंथिसाइज हो जाते हैं ये समराइज़ किया हुआ है सेल साइकिल को ही देखें इसमें क्या है कि माइटोसिस के बाद यहाँ से स्टार्ट करें जी नॉट फेज आती है कुछ सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होते जी नॉट फेज़ में चले गए और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग गए बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट जो आएगी अगर सेल ने डिवाइड होना है तो फिर ग्रोथ फेज़ आएगी इसमें क्या होगा प्रेपरेशन फॉर डी एन ए के सेल जो है वो एक तो ग्रो करेगा उसका साइज इंक्रीज होगा सेकेंड सेल जो है वो डी एन ए की सेंसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा डी एन ए कौन से वाला डी है कि के क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डबल होना है तो क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हुए हैं डी और प्रोटीन से तो डी की रेप्लीकेशन के लिए जो कि नेक्स्ट स्टेज एस फेज में होती है डी की रेप्लीकेशन उसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है तो नेक्स्ट फेज जो एस फेज़ है डी एन रेप्लीकेशन फेज़ है फिर उसके बाद प्री प्रेपरेशन फॉर माइटोटिक फेज या जी टू फेज़ है अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट फेज जो होगी वो है प्रोफेज़ माइटोसिस की फिर मेटाफेज एनाफेजीलोफेज़ और फिर इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा अब हर पॉइंट पे देखें चेक पॉइंट्स लिखा हुआ है फर्स्ट चेक पॉइंट क्या है जी वन फेज़ के बाद सेल को चेक किया जाता है कि सेल जो है इसमें प्रॉपर ग्रोथ हुई है ये प्रॉपरली प्रिपेयर इसने किया है अपने आप को एस फेज़ के लिए अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है प्रॉपर इसकी प्रेपरेशन नहीं होती तो क्या अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता तो यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है सेल की रेप्लिकेशन का प्रोसेस या इंटरफेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है और सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है नेक्स्ट जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है जी फेज में जाता है सेल और फिर यहाँ पर भी सेल को चेक किया जाता है के सेल जो है इसकी डीएनए एन प्रॉपरली रेप्लीकेट किया हुआ है अगर सेल में कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर किया जाता है और फिर नेक्स्ट फेज में एंटर होता है माइटोटिक फेज़ में अब माइटोसिस के बाद फिर से चेक किया जाता है एक चेक पॉइंट आता है कि ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रॉपर्ली अटैच माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स ताकि कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की उसमें कोई एरर ना हो तो यहाँ पे थ्री चेक पॉइंट्स हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और सेल जो है वो प्रॉपरली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है किसी भी स्टेज पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है डीएनए की रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं होती सेल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होता डिवीजन के लिए या फिर क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपरली अटैच नहीं होते आ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ तो क्या होगा फ़र्दर सेल साइकिल प्रोसीड नहीं करेगा बल्कि सेल्स जो है उसको चेक किया जाता है इंटरनली और फिर सेल को किल कर दिया जाता है स्पेशल सिग्नल्स के थ्रू और ताकि जो डिफॉल्टी सेल्स हैं या जो प्रॉपर सेल्स नहीं हैं जिनमें कोई डैमेज है वो नेक्स्ट सेल साइकिल में एंटर ना हो और उनको वहीं पर एबॉर्ड कर दिया जाए ये भी वही है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल देर आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स एट ईच स्टेज दिस डिटरमिन द फेट ऑफ नेक्स्ट फेज अकॉर्डिंग टू सेल्स इंटरनल मेकअप के सेल का साइकिल के, के दौरान सेल को चेक किया जाता है कि प्रॉपर सेल साइकिल प्रोसीड कर रहा है अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो फिर सेल की फेट जो है ये चेक पॉइंट्स डिटर्मिन करेंगे कि फर्दर सेल ने डिवाइड होना है कि नहीं फेट कहते हैं किस्मत को के सेल के जो इंटरनल मेकअप है उसके मुताबिक अगर प्रॉपर सेल साइकिल चल रहा है सारी फेजिज प्रॉपरली अपने आप को कंप्लीट कर रही हैं तो फिर ही सेल डिवाइड होगा और फर्दर डॉटर सेल्स सेल जो हैं वो बनेंगे अदरवाइज क्या होगा सेल को किल कर दिया जाएगा चेक करके तो सेल साइकिल को जो है वो कंट्रोल किया जाता है अगर किसी चेक पॉइंट पे सेल में कोई मिस्टेक हो जाए चेकिंग में मिस्टेक हो जाए तो फिर अब नॉर्मल सेल्स बनते हैं जैसे कि माइटोसिस में अगर प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता कोई एरर हो जाती है माइटोसिस में और सेल्स में वो डिवीजन पे कंट्रोल लूज़ करते कर देते हैं और कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाते हैं तो कैंसर डेवलप होता है तो ये जो कंट्रोल होता है सेल का अपने साइकिल पे वो स्पेशल चेक पॉइंट्स के थ्रू उसको चेक किया जाता है अदरवाइज़ सेल डिवाइड नहीं होगा नेक्स्ट इज़ द लेंथ ऑफ फेजिज ऑफ सेल साइकिल के सेल साइकिल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है सेल साइकिल की ड्यूरेशन वेरी करती है और एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें भी सेल साइकिल की लेंथ वेरी करती है टाइम टू टाइम अब देखें कि एक यूनिसेलर ऑर्गनिज्म है तो उसमें सेल साइकिल जो है उसकी लेंथ डिफरेंट होगी बैक्टीरिया में डिफरेंट होगी मल्टी सेलर ऑर्गनिज्म की बॉडी में जिस वक्त एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट हो रही है या एक्टिव ग्रोथ हो रही है उस वक्त सेल एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं तो सेल साइकिल की लेंथ जो है वो कम होगी लेकिन जिस वक्त सेल एक ग्रोथ का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है मेच्योर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसके बाद सेल साइकिल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और उस वक्त सिर्फ सेल साइकिल रिपेयर के लिए ही रहता है कि बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर किया जाए या कोई वून्ड्स हैं तो उसकी हीलिंग के लिए नए सेल्स बनाए जाएं तो उस वक्त सेल साइकिल जो है इन प्रोसेसेस के लिए कंटिन्यू करता है तो एक मैमल जो है उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल साइकिल जो है उस ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्लाइज हैं उसमें एटीन मिनट्स का भी हो सकता है बैक्टीरिया में ट्वेंटी मिनट्स का होता है यीस्ट में जो है सेल साइकिल वो नाइन्टी मिनट्स का होता है और ह्यूमन बींग्स में या फिर मैमल्स में एवरेज सेल साइकिल जो है वो ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है तो ये जो सेल साइकिल है इसमें डिफरेंट फेजेस की डिफरेंट ड्यूरेशंस होती हैं ये नहीं कि हर फेज जो है वो इक्वल लेंथ की है माइटोसिस जो है इसके थर्टी मिनट्स लगते हैं माइटोसिस को एक मेमिलियल से मैमल के सेल्स में या ह्यूमन सेल्स में कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है थर्टी मिनट्स लगते हैं जी वन जो है वो नाइन आवर्स की होती है एस फेज़ जो है वो टेन आवर्स की होती है और जी टू फेज़ जो है ये फोर पॉइंट फाइव आवर्स फोर एंड हाफ आवर की होती है सो दैट्स ऑल फ्रॉम टू डेज़ लेक्चर If you have any question, you can ask. Allah Hafiz.